बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु आज हमें यहाँ पर लेकर आया, और आप सब भी भाई दिनेश के घर में आप आए, आपने उनका आमंत्रण स्वीकार करके आपने उनका आदर किया, उनका सम्मान किया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप यहाँ आने के कारण प्रभु की स्तुति हो। तो हम लोग आज वचन निकालेंगे, जैसे आज ये प्रार्थना जैसे रखी गई है मन्नत रखने के कारण, और जैसे बाइबल में लिखा है कि हमें जब हम मन्नत करते हैं तो जो मन्नत मानते हैं वो पूरा तो करना ही पड़ता है। साथ साथ हम मसीह होने के नाते हमारे घरों में प्रार्थना होनी चाहिए, मसीह लोग आकर हम एकत्रित होकर भी प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हम निकालेंगे शुभोपदेशक अध्याय 5, शुभोपदेशक अध्याय 5 और उसका 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने के लिए विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पापों में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ, क्योंकि क्यों तेरा बोल सुनकर परमेश्वर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्यों को नष्ट करे। आमेन। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू मदद करना प्रभु। आई वे तेरे सभी बंदों को तू आशीषित करना प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो शुभोपदेशक ये सुलेमान ने लिखा हुआ है। सुलेमान दाविद का बेटा है और परमेश्वर ने उसे बहुत बुद्धि दिया, बहुत बुद्धि यानी परमेश्वर ने उसे कहा तू मांग मुझसे क्या मांगता है। अक्सर पुरुषों को जब कुछ भी मांगने के लिए कहा जाता है तो पुरुष अक्सर क्या मांगते हैं, बहुत सारा पैसा हो, मैं कभी ना मरूं, मुझे बहुत जिंदगी मिले, क्योंकि इंसान को अक्सर यही चाहिए रहता है। लेकिन प्रियो जब सुलेमान को पूछा गया कि तू तेरी जिंदगी में क्या चाहता है तो सुलेमान ने कहा कि तूने जो मुझे इस राजगद्दी पर योग्यता न होने के बावजूद भी तूने मुझे चुन लिया, इसीलिए मैं आपकी सारे भेड़ों को चरा सकूं, संभाल सकूं, इसलिए मुझे तू क्या कर बुद्धि दे। क्योंकि क्या है, इंसान के पास बुद्धि रहेगी ना तो वो आगे सक्सेस होगा, बुद्धि नहीं होगी तो इंसान सक्सेस नहीं होगा। और इसीलिए उसे मालूम था ये बात कि मैं छोटा हूँ, मैं अभी इतना बड़ा नहीं, अभी राजा होने के लिए जितना समझदार होना चाहिए उतना तो सुलेमान समझदार नहीं था, क्योंकि वो बालक ही था, इतना बड़ा नहीं था, एक पुरुष नहीं था, वो मैरिड भी नहीं था, इसीलिए उसको जो बुद्धि की जरूरत थी, क्योंकि उसे मालूम है इतनी बड़े राज्य को चलाना है तो बुद्धि की बहुत जरूरत है, इसीलिए उसने क्या कहा कि मुझे बुद्धि दे, क्योंकि पैसा मांगेंगे तो वो तो खर्चा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिंदगी मांगेंगे तो भी ये जिंदगी किस काम की अगर बुद्धि नहीं है तो। इसलिए उसे ये मालूम था कि बुद्धि रहेगा तो मैं आगे तक रहूंगा और इस राष्ट्र को भी चला पाऊंगा और मैं विजयी रहूंगा। इसलिए उसने परमेश्वर से बोला कि प्रभु मुझे तेरी बुद्धि दे। इस संसार में बहुत सारी बुद्धियां भी है, जैसे संसार की बुद्धि है, इसलिए बोलता है पुरुष लोग हमेशा संसार की बातों में सोचते हैं, संसार संसार संसार। ऐसी भी बुद्धि है जो पाप में हमेशा पाप की ओर लेके जाती है, ऐसी भी बुद्धि है। तो बुद्धि हमारे, हम किस रीति से बुद्धि चाहते हैं। अभी उसने कौन सी बुद्धि मांगी, परमेश्वर की बुद्धि, जो उसे क्या कर सकी, बुराई से बचा सकी और जो एक बड़ा अथॉरिटी, बड़ा काम उसको सौंपा गया था वो पूरा करने के लिए वो लायक निकले, हो सके, इसलिए उसने बुद्धि मांगी। और उसी बुद्धि के द्वारा उसने नीति वचन और शुभोपदेशक ऐसे बहुत सारे जो काव्य है, गीत है, वो रचे, उसमें से है ये शुभोपदेशक। अब वो शुभोपदेशक में वो कहता है कि परमेश्वर के सामने जब तुम मन्नत माने तो उसे पूरा करने के लिए विलंब न करना। तो मन्नत मानना यानी क्या, परमेश्वर तो आपको सबको मालूम है परमेश्वर एक ही है, उसके सिवाय कोई दूसरा है नहीं। अब उसके सामने मन्नत मानना यानी अपने शब्द से करार करना, इसका अर्थ है शपथ खाना यानी वचन देना। जैसे हम जब किसी को कहते हैं ना, अगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसे अभी हम लोग भी हमारे प्रभु को कहते हैं, हम सच पूछो देखेंगे तो हम वचन बांधते हैं, हम उसके साथ शपथ खाते कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे प्रभु ने भी हमारे साथ वैसे ही किया, लेकिन हमारा प्रभु हमको छोड़ता है क्या? तो जब हम किसी को वचन देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है उसके साथ उस शब्द से वो बंध जाता है। क्या होता है, वो शब्द से वो क्या हो जाता है, बंध जाता है। वैसे ही जब कोई इंसान परमेश्वर के सामने कहता है कि तू परमेश्वर है,
मेरी जिंदगी में जो परिस्थिति चल रही है उसमें मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन तू कर सकता है। अगर तूने ये किया तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा ऐसा करूंगा। जब हम ऐसा शब्द बोलते हैं, तूने अगर मेरी जिंदगी में ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा। जैसे मैं आपको एक बाइबल का उदाहरण बताती हूँ, वही याकूब। याकूब जब लामान के पास अपने मामा के पास भाग रहा था, तब क्या हुआ, जब अपने मामा के पास भागते समय बड़े जंगल में से उसे गुजर कर जाना पड़ रहा था, तो उसने परमेश्वर के साथ मन्नत मांगी कि अगर तू मुझे वापस अपने घर लौटा ले आएगा, अपने घर वापस मेरे पिता के घर तू मुझे लौटा ले आएगा, मैं जो काम करूंगा उसमें तू मुझे सफल करेगा, तो मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे हाथ में आने वाले हर एक उत्पन्न से दशांश दूंगा। तभी दशांश की विधि नहीं थी, तभी दशांश की विधि नहीं दी गई थी। दशांश की विधि जब इसराइली लोग मिश्र देश से निकले और उसके बाद जब पवित्र स्थान बनाने के लिए, जिसे हम निवास स्थान कहते हैं, तंबू कहते हैं, परमेश्वर का तंबू कहते हैं, वो बनाने की जब परमेश्वर ने आज्ञा दी, तभी परमेश्वर ने लेवियों को अलग किया और फिर उन लेवियों को चलाने के लिए दशांश का नियम रखा। आपको समझा? लेकिन अगर आप उत्पत्ति पढ़ोगे तो उत्पत्ति में कहीं पर भी दशांश की आज्ञा नहीं दी, लेकिन फिर भी उसने क्या मन्नत मांगी, उसने मन्नत मांगी कि मेरे हाथ में जो भी आएगा मैं उसे दशांश दूंगा। और परमेश्वर ने अय्यूब को, याकूब को कितना आशीष दिया, बापरे, वो जिस काम में हाथ डालता था उसमें सफल होता था, जिस काम में हाथ डालता था उसमें सफल होता था। उसका मामा उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उसके मामा ने उसको लॉक करने के लिए दो दो लड़कियां दे दी। सोचो, मतलब आप खुद सोच सकते कि वो, उसे मालूम पड़ गया था लाबान को कि अगर ये यहाँ से मैं वापस अपनी माँ के घर चला गया, अपने पिता के घर चला गया, तो क्या होगा, मेरा मुझे जो इतना आशीष मिला इसके कारण वो नहीं मुझे मिलेगा। उसने क्या किया था, लाबान का सारा जो धंधा लॉस हो चुका था उसे बढ़ाया, भेड़ बकरियां बढ़ाई, खेती उसकी बढ़ाई, यानी वो जिस काम में हाथ डालता था उसमें परमेश्वर ने यश दिया। क्यों? क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगने से हम परमेश्वर के साथ क्या हो जाते, शब्द से बंध जाते, हमारा शब्द बंधा रहता है। इसी कारण से परमेश्वर भी क्या कहता है मालूम, परमेश्वर कहता है अगर तू परमेश्वर के सामने मन्नत माने तब तू उसे पूरा करने के लिए विलंब न करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से अपना काम करने के लिए तुम बोल तो देते, तू मेरे साथ ऐसा कर, तू मुझे साथ ऐसा कर, मैं तुझे ऐसा करूंगा, लेकिन काम निकल गया तो प्रभु मुझसे ये हो नहीं सकता, असंभव है, कठिन है, इतना सारा कैसे करेगा। इसी कारण से यहाँ लिखा है कि उसे पूरा करने के लिए विलंब न करना। जब परमेश्वर अब तुम्हारे शब्दों को सुनकर पूरा किया है तो तुम भी क्या करना है, जो शब्द तुमने परमेश्वर को दिया है उसे पूरा करो। साथ साथ ऐसा लिखा है कि अगर तुम मन्नत मांगने को तुमको पूरा नहीं करने की नई इच्छा होती या तुमसे नहीं जम रहा, उससे बेटर है मन्नत मत मानो, परमेश्वर के साथ कोई करार ही मत करो। आप खुद देख सकते हो, जब कोई करार हम तोड़ते हैं, हम जब एग्रीमेंट बनाते हैं, घर का एग्रीमेंट बनाते हैं या किसी ऑफिस का, या देखो ऑफिस में भी जब आप लोग काम को जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उसके ऊपर आपसे और उनके ऑफिस के जो पेपर्स होते हैं डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करा के लेते हैं, यानी आप उनके लॉ के अंडर हो जाते हो, आप उनके नियम के अधीन हो जाते हो, और जब आप तोड़ लेते हो तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, मालूम है। इसलिए आप इवन यहाँ तक आप देखो ना, आप जब सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ऐप्स जब खरीद, आप उसमें से ऐप लेते हो, डाउनलोड करते हो, तो उसमें लिखा रहता है एग्री डिसएग्री, तो आप उसमें लिखा है आई एम एग्री और उस पर आप क्लिक करते हो, उनके सारे लॉ तो हम पढ़ते नहीं है क्या क्या लिखा रहता है, हम बस एग्री कर देते क्योंकि हमको वो ऐप चाहिए रहता है, जैसे यूट्यूब चाहिए रहता है, फेसबुक चाहिए रहता है, और बहुत सारे जो ऐप रहते वो सब चाहिए होता है, इसलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं। लेकिन हम कभी उनके रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं क्या? अगर हमने कुछ उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट डालना चाहे तो बोलेंगे हमारे रूल में ऐसा ऐसा है, या हमने अगर वो रूल्स तोड़े तो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, ऐसा है। तो उसी रीति से प्रियो, जब परमेश्वर से हम जब करार करते हैं वो हमारा बोली का करार होता है, तो जब हम लोग को वो पालन नहीं करते ना, तो बाइबल में लिखा है तो परमेश्वर कहता है तू मूर्ख परमेश्वर के सामने ठहराया जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने मन्नत करता है और मन्नत मानकर बाद में पछताता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो परवड़ता नहीं, इसमें बहुत सारा खर्चा है, सोचो अगर किसी ने मन्नत मांगा कि एक संडे का खाना हम लेंगे करके, प्रभु तू ऐसा कर, एक संडे का खाना चिकन का खाना बोलेगा तो बहुत पैसा है, तो फिर वो लोग बोले अरे बाप रे इतना सारा पैसा, जान दो मैं नहीं करता, ऐसा कर कर अगर मन्नत तोड़ दी तो परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति क्या ठहरता है, मूर्ख ठहरता है।
अगर आप किसी के साथ परमेश्वर के सामने बोलते प्रभु आप मुझे ये ऐसा करो, मैं 5 औरतों को रेशन दूंगा, विधवाओं को रेशन दूंगा, और जब रेशन का समय आया तो एक घर का रेशन का बिल कितना होता है? 4 मिनिमम 4 पकड़ो, 4,000 तो होता ही है। एक घर को रेशन देना है तो 4-4.5 जाता है। तो अगर 4 कितने औरतों को बोले थे आपने? 5 के 4,4,5,25 20,000 जाता है। अरे बापरे 20,000 जातो, देवा मी चुकलो, मला वाटलं काय 500,000 एका घराचं सामान येईल, पण आता जेव्हा मी हिशोब लावला तर बापरे 20,000 खर्च होतोय, 20 पुढे जातोय, प्रभू मी चुकलो। वो लोग परमेश्वर के सामने मूर्ख है, मालूम हुआ? तो परमेश्वर हमें क्या कहता है मालूम? जब एक बार हमने परमेश्वर के सामने शपथ खाया, एक बार हमने करार किया, यहाँ तक कि जब हम लोग, आप लोग मालूम है, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हो और कहते हो प्रभु तू ही मेरा प्रभु रहेगा, मैं तेरे ही पीछे चलूंगा, और जब आप वो वचन तोड़ देते हो, तो उस समय आपने उस समय मेरे सामने मन्नत मांगी रहती कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कभी कभी आप लोग बोलते हैं वो मन्नत के ही शब्द हो जाते हैं, इसलिए हमें उसे तोड़ना नहीं होता है, मालूम हुआ? तो इसलिए अगर जो करता है ऐसा, तोड़ देता है वचनों को, मन्नतों को तोड़ देता है, तो वो परमेश्वर के सामने मूर्ख ठहरता है, और साथ साथ कहता है कि तू अपनी मन्नतों के पाप में फंस गया। जो कोई ये मन्नत मानकर उसे तोड़ता है वो पाप करता है बाइबल के अनुसार। और फिर यहाँ लिखा है कि ये मेरे से गलती से हो गया। कभी कभी कोई कोई लोग मुझे भी बोल देते हैं कि दीदी चुकून झाल, मुंह से निकल गया, लेकिन अभी हिशोब लगा दिया तो मेरे से नहीं हो रहा, मुझे माफ करो करके, मुझे मुझसे ऐसा ऐसा हो गया, जाने दो करके। इस रीति से वो लोग क्या करते हैं, मेरे सामने या परमेश्वर के सामने भूल से हो गए, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले, ऐसे बोलने पर लिखा है परमेश्वर तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न होगा और तेरे हाथों के कार्यों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर हमें आज आज जैसे हम लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए, तो आज अब परमेश्वर आपको मन्नत के विषय में बताता है। आप जब भी कुछ परमेश्वर के सामने मन्नत करते हो, या आपके घर के लोग करते हैं और वो पूरा करने जाते हो, तो कभी रोक टोक नहीं करना। कह रहे तूने मन्नत क्यों मांगा, तूने पहले मुझे पूछा क्यों नहीं, तुझे जमता नहीं तो फिर मेरे से क्यों किया, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं करना। जब हम कोई भी, हमारे घर के लोग कोई भी मन्नत मांगते हैं, तो वो मन्नतों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहना, याद रखो, नहीं तो उससे बेटर है मन्नत नहीं मांगना। परमेश्वर ऐसा भी देता ही है ना, हमारा परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है, लेकिन अगर आप परमेश्वर को धोखा नहीं देना, यानी वो मूर्ख व्यक्ति रहेगा जो परमेश्वर को ठगने जा रहा है, लेकिन उसका ही नुकसान होगा, क्योंकि उसके हाथों के कार्यों को क्या होगा? नाश होगा, यानी वापस गरीबी आएगी, दरिद्री आएगी। इसलिए कभी भी याद रखो परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं लेना। अगर आप परमेश्वर को अगर कुछ वचन दिया है मैं ऐसा करूंगा तो वैसे ही करना, उसके बाद शब्द नहीं फेरना, नहीं तो क्या होगा, आपके हाथों के कार्य नाश हो गए, आपको जो सक्सेस प्रभु ने दिया है, सफलता दिया है, आशीष दिया है, वो नाश हो जाएगा और आपसे प्रभु अप्रसन्न रहेगा। अप्रसन्न रहना यानी क्या हो जाएगा, अगर प्रभु हमसे खुश नहीं है तो फिर हमारा नुकसान ही है ना। तो इसी कारण से प्रियो हमेशा याद रखो परमेश्वर चाहता है हम क्या करें, हम जो भी मन्नत मानते हैं उसे पूरा करें। हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय 30 उसका 2, गिनती अध्याय 30 उसका 2। हम जो भी परमेश्वर के सामने मन्नत मानते हैं, याद रखो परमेश्वर जब जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वैसे ही करता है, बराबर है? जब परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें मिश्र देश से निकालकर कौन से देश में लेके जाऊंगा, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, कनान देश में लेके जाऊंगा, परमेश्वर लेके गया ना। बाइबल हमें बताती है यहोशू अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, यहोशू अध्याय 21 में, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जो बोला था वो परमेश्वर ने पूरा किया। आप पढ़ सकते हैं यहोशू अध्याय में, जोशुआ अध्याय में 21 में, परमेश्वर ने जैसे बोला था वैसे ही किया, और परमेश्वर ने कनान देश, दूध और मधु की धारा बहने वाला देश उनको दे दिया, मालूम है? तो जब परमेश्वर अपना शब्द पालन करता है, तो हम भी मसीह होने के नाते हम भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन क्या करना है, पालन करना है। इसका 2, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, जब कोई पुरुष यहोवा से मन्नत माने, या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, या फिर अपने आप को यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार शपथ खाता है कि नहीं मैं जरूर करूंगा, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, हाँ, तो वह अपना वचन न टाले। तो उसने क्या करना चाहिए, जो कुछ बोला वैसा टालना, यानी नहीं होगा, असंभव है, कठिन है, ये नहीं करे, ये परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता।
जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। हाँ, जो कुछ उसके मुंह से निकला है, जो कुछ उसके मुंह से निकला है, जो कुछ उसने कहा है उसके अनुसार वो क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वो परमेश्वर को क्या लगता है, अच्छा लगता है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 76 साम, स्तोत्र संहिता 76 उसका 11। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। हाँ, अपने परमेश्वर की मन्नत मानो, यानी तुम लोग परमेश्वर के सामने क्या करो, शब्द दो, मन्नत मानो, हाँ प्रभु तू ऐसा कर, मैं तेरे लिए ऐसा ऐसा करूँगा, और वह पूरी भी करो। और जो कुछ तुम कहते हो उसे पूरा भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। हाँ, जो भय योग्य परमेश्वर है और जो उसका भय मानता है उसने क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए, ये प्रभु को अच्छा लगता है। इसलिए प्रियो याद रखो, परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह होने के नाते, आज हम इसराइली होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते, हम परमेश्वर से मन्नत मांगे, क्योंकि प्रभु को भी अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी पसंद आता है कि हम मन्नत मांगते हैं और वैसा पूरा भी करते हैं। यानी हम जब परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु तू मेरे साथ ऐसा ऐसा कर, मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा करूँगा, तो प्रभु को अच्छा लगता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अरे बाप रे मेरे से जमेगा नहीं, चलो हम मन्नत ही नहीं मांगेंगे। वो तो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो लोग शब्दों का फेरफार करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम शब्दों का फेरफार करने वाले न हो, परंतु हम कैसे लोग हो, हम ऐसे लोग हो जो शब्दों को, जो कुछ कहा है परमेश्वर ने क्या किया, जो कहा वैसे ही किया, तो हम भी वैसे होना चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमने जो बोला वही करना चाहिए। याद रखो आज इस मन्नत के विषय पर परमेश्वर आपको क्या कहता है, आप मसीह हो, आपके बोली को वजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए कि आपने बोला और पलटी मार दिया। हमारे क्रिश्चियंस मसीह लोगों को, सियोन वासियों का सबसे बड़ा पॉइंट गलती ये है कि वो लोग हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ, और नहीं करते हैं, और जब बोलते हैं नहीं नहीं तब हाँ करते हैं। यीशु ने कहा तुम्हारी बोली हाँ की हाँ, ना की ना। बहुत से लोग जब देखो प्रार्थना के लिए घर में बुलाते हैं, प्रवीण आना, जरूर जरूर आऊंगा जरूर, और फिर दूसरे दिन नहीं आते। अक्सर ऐसे उसे बेटर है प्रवीण ने बोलना चाहिए काम पे जाता हूँ, मुझसे नहीं जमेगा। रही बात सरिता की, आप उसको पूछो वो आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं नहीं आएगा, मुझसे नहीं जमेगा, क्योंकि मुझे काम तो ज़रूरी है ना। आपने मंडे के दिन रखा है, आपने ट्यूजडे को रखा है, मेरे को तो काम पे जाना पड़ेगा, सॉरी मुझसे नहीं जमेगा। ज़रूर छुट्टी का दिन रहेगा तो मैं आपके घर में ज़रूर विजिट मारूंगी, लेकिन आज कल नहीं जमे, उस दिन नहीं जमेगा। हम ऐसे बोलने वाले होने चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे बोली से अरे बाबा काय प्रवीण बोला होता ये ना रे आला ना है खोटारड़ा है बाबा, ऐसे ही बोलेंगे बोलेंगे ना, काय क्रिश्चन है, काय क्रिश्चन है, अला ऐसा शब्द ला काय ताकत है का, इसके मुंह को कोई ताकत है, कोई शब्द को अर्थ है क्या, कोई पावर ही नहीं, ये तो झूठा है, इनका मसीह सच्चा है और ये तो झूठे है। लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, मसीहों को नाम क्यों रखते हैं कि मसीह तो अच्छा है लेकिन मसीह लोग अच्छे नहीं है, मसीह लोग, मसीह बहुत सच्चा है लेकिन मसीह लोग झूठे हैं, क्यों बोलते हैं ऐसे, मसीह तो बहुत भलाई करता है लेकिन मसीह लोग तो बुराई करते हैं, क्यों, क्योंकि मसीह लोग वैसे रहते हैं। हमारे शब्दों को हम पावर नहीं देते, हम जो बोला है कि हाँ मैं करूँगा तो करना ही है, मैं ऐसा ही रहूँगा तो ऐसा ही रहना है, हमारे बोली में सामर्थ्य होना चाहिए, हम जो बोलते हैं वैसा ही करना चाहिए। हम ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने बोला और कर दूसरे है। हम क्या सोचते हैं, अभी अगर सोचो मैंने प्रमिला सिस्टर को बोला नहीं नहीं उसको दर्द आएगा मैं अगर नहीं बोलूंगी तो, लेकिन वो उसका भी तो प्लानिंग कुछ है ना, अरे इतने अनुमान है, उसने इतने लोगों को बुलाया, इतने लोगों को सोच कर रखकर उसने अनुमान लगा कर किया है, क्योंकि सबने हाँ 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 आए कितने 10 तो अनुमान गलत हो जाता है ना। हम कभी भी सच्चे निकले, हमारी बोली से हम सच्चे निकले, हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बोलना चाहिए नहीं इसने बोला है ना हाँ ये बोलता है, कितना भी रुकावट आने दो ये आएगा ही, ऐसा सामने वाले ने हमारे पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा यीशु, हम जब बोलते हैं नहीं यीशु ने बोला है वो मुझे नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, हम ऐसा ही बोलते हैं ना, हम बोलते हैं क्या यीशु ने क्या मालूम यीशु बोला ही करेगा कि नहीं, हम ऐसा कभी डाउट करते, हम क्या बोलते हैं नहीं यीशु बोला है करेगा तो जरूर होगा, हम ऐसा ही। तो हम मसीह लोग ऐसे क्यों है कि हम हाँ बोल के बाद में नहीं हो जाते,
आपको समझा। तो इसलिए प्रियो ये मन्नत के द्वारा परमेश्वर आज हमें क्या सिखाता है मालूम, हमारे ये शब्द। मैं आपको बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति दिखाती हूँ जो उसके बोली के कारण, उसके शब्द के कारण वो अपने लोगों को साथ युद्ध करने के लिए निकला, अपने लोगों को मारने के लिए निकला, लेकिन उसने घर से प्रार्थना किया, प्रभु ये मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं ऑलरेडी शब्द दे चुका हूँ कि मैं तेरे साथ युद्ध के लिए आऊँगा और इसराइलियों से लड़ने के लिए मैं आऊँगा। आपको मालूम है, आप जानते हो ऐसा कौन है वो व्यक्ति? शमसोन। नहीं, बिलाम ने तो आशीष श्राप देने के लिए आए, लड़ने के लिए युद्ध, इसराइलियों से लड़ने के लिए। दाऊद। हाँ, पढ़ेंगे अभी, ये हमारा आज का वचन दाऊद का, हम निकालेंगे पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 13। ये मन्नत की प्रार्थना थी, साथ साथ उन्होंने अपने घर में भी प्रार्थना रखी थी, उसके कारण मैंने आज आपको थोड़ा सा मन्नत के द्वारा सिखाया। लेकिन कहने के द्वारा मैं आपको, परमेश्वर हमें ये बताता है हमारा बोली बहुत इम्पोर्टेंट है। उनतीस का एक से पढ़ो, 1 और 2। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 29 उसका 1 से पढ़ो। फिलिस्तीनियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इसराइली इज़राइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। हाँ, अभी इसराइली लोगों ने कहाँ डेरा डाला था? इज़राइल में। हाँ, और फिलिस्तीनी लोग क्या कर रहे हैं? अपनी सेना के साथ इकट्ठा हो रहे। तब फिलिस्तीनियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। दाऊद आकीश के साथ क्या हुआ? इसराइलियों के साथ लड़ने के लिए क्यों निकला? मैं आपको बताती हूँ इसका किस्सा क्या हुआ था। जब शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था उसे मार देने के लिए, तो परमेश्वर ने उसे कहा था, 2 बार शाऊल उसके हाथ में गिरा था, दाऊद के हाथ में, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। किसके ऊपर? शाऊल के ऊपर। उसने कहा अभिषिक्त है ये, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। इससे दाऊद से आप एक बात सीख सकते हैं, हमारा शत्रु कैसा भी हो, मसीह हो यानी इसराइली हो, वो अभिषिक्त है, ये याद रखकर हम कभी भी एक अभिषिक्त को सताना नहीं। एक अभिषिक्त ने दूसरे अभिषिक्त को कभी सताना नहीं, एक अभिषिक्त ने दूसरे अभिषिक्त को कभी मारना नहीं, मौका मिला तो भी कभी बदला नहीं लेना, कभी दुष्टता का काम नहीं करना। जैसे शाऊल एक अभिषिक्त के व्यक्ति के पीछे पड़ा था, वो है दाऊद के पीछे। शाऊल भी अभिषिक्त था, दाऊद भी अभिषिक्त था, दाऊद पर वो जलता था क्योंकि दाऊद की लोग स्तुति करते थे। इसी कारण से क्या हुआ? दाऊद की स्तुति करने के कारण इसके अंदर, शाऊल के अंदर जलन हुआ, इसलिए वो दाऊद को मारना चाहता था। हमेशा प्लानिंग ऐसा करता था कि वो दाऊद मरे, लेकिन क्या मार पाया? नहीं। लेकिन दाऊद ने जब उसे मौका मिला शाऊल को मारने के लिए, लेकिन उसने कभी शाऊल को नहीं मारा। उसने क्या किया? उसने हमेशा शाऊल को कहा कि तू हे पिता, मैं तुझे मार सकता था लेकिन मैंने तुझे मारा नहीं, ये याद रखो। इसे हम ये सीखते हैं कि कभी कभी हम एक मसीह दूसरे मसीह, कभी कभी एक दूसरे के चुंगल में कभी फंस जाते हैं, या अपने घर में भी, हमारे घर के लोग भी देखो हमारे साथ रहते जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते, तो हम अभिषिक्त है, वो भी अभिषिक्त है, इसलिए मुझे सताना नहीं, टॉर्चर करना नहीं, मर्डर करना नहीं, उनका उनके ऊपर अत्याचार करना नहीं। एक हमें बाइबल ये दृश्य इसके द्वारा, शाऊल और दाऊद के द्वारा ये हमें सिखाता है। इसलिए आप है ना अपने घर में रहने वाले लोगों को जो क्रिश्चियन है, चर्च में आते हैं ना, आते हैं आपके घर के लोग यीशु में आते हैं, चर्च में आते हैं, उनको छलो मत, उनको मारो मत, क्योंकि वो भी परमेश्वर के हैं। इसलिए ये हमेशा याद रखना, तो जानबूझकर उनको सताना, तकलीफ देना, याद रखना जो सताता है उसके पास बुराई की आत्मा रहती है। शाऊल सताता था, शाऊल ने क्या किया? किसको? इसको अभिषिक्त को सता रहा था। कौन से अभिषिक्त को? परमेश्वर के सता रहा था। तो आपको मालूम है परमेश्वर की ओर से शाऊल को क्या तकलीफ हो रहा था? एक बुरी आत्मा
सता रहेगी, ये हमेशा याद रखो। आप जब भी किसी मसीहों को सताते हो, जानबूझकर टॉर्चर करते हो, तो आपको भी सताने के लिए परमेश्वर की ओर से एक बुरी आत्मा आती है, ये हमेशा याद रखो। इसलिए कभी भी है ना, किसी मसीह को निर्बल है, गरीब है, या आपसे कुछ झगड़ा नहीं कर रहा है, लड़ नहीं रहा है, असहाय है, उसकी तरफ से कोई नहीं बोलने वाला, बोलकर आप कभी भी सताना नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से क्या आएगा? बुरी सताव करने वाली आत्मा। और वो किसे सता रही थी? शौल को। शौल को हमें तकलीफ हो रही थी, ये हमेशा याद रखें। इसलिए अगर आपको है ना बुरी आत्मा आपको सताने वाली, टॉर्चर करने वाली, अंदर ही आपको पीड़ा देने वाली नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ, कभी भी किसी घर के अभिषिक्त को, जो आप क्रिश्चियन है, जो आपको चर्च में आता है, उसको कभी मत सताना। और अगर वो आपसे बदला नहीं ले रहा है, आपसे झगड़ा नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल भी उससे लड़ो मत, उससे तकलीफ मत हो, नहीं तो परमेश्वर की ओर से आपको सताने वाली, बीमार करने वाली, पीड़ा देने वाली, फोड़ियों का देने वाली, नाना प्रकार की दांत के प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, फिर पेट का प्रॉब्लम, फिर पैर का प्रॉब्लम, नाना प्रकार के प्रॉब्लम से आपके शरीर को हमेशा पीड़ा देने वाली एक आत्माएं हमेशा आपको टॉर्चर करती रहेगी। इसलिए जागरूक रहें। इसलिए प्रियो, जब उसने देखा कि अब ये शौल तो हमेशा मेरे पीछे पड़ा ही है, इसलिए वो फिलिस्ती देश में भाग गया। कौन? दाविद। और आकीश वहाँ का राजा था, उसके साथ वो रहता था। और आकीश ने उससे वायदा किया, दाविद ने उससे वायदा किया था, जब तू युद्ध को जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए वो इसराइलियों से लड़ने के लिए आकीश को दिए हुए शब्द के कारण दाविद, हम यहाँ देखते हैं, इसराइलियों से जो इजराइल में इकट्ठा हुए थे उनके साथ लड़ने के लिए दाविद निकला। उसने अपने शब्द को पालन किया, लेकिन देखो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर उसकी बात जानता है कि इसराइली एक दाविद इसराइलियों को मारना शोभा देता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। कितने बड़े संकट से बचाया, आपको मालूम है, हम पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे बचाया। देखो तीसरा वचन, तब फिलिस्ती हाकिमों ने पूछा। परमेश्वर ने किसको उभारा? फिलिस्तियों के हाकिमों को, उनको उभारा, उनको अंदर मन में डाला। क्या डाला? देखो, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? हाँ, ये दाविद इब्री, ये इब्री लोग इधर क्या काम कर रहे थे? इब्री अकेला नहीं था, उसके साथ कितने लोग थे? 600 लोग थे। कितने लोगों को दाविद लेकर युद्ध करने के लिए आया है? 600। वो भी वीर है, युद्ध करने के लिए वीर लोग को लेकर गया है। ये 600 लोगों के द्वारा, 600 में से सिर्फ 200 लोगों को लेकर वो जब अपने लोगों को छुड़ाने गया, तो दिन रात भर वो युद्ध किया। सोचो मतलब कितने वीर लोग थे वो, है ना? मैं अभी आगे जाएंगी तब आपको समझेगा, ये 600 लोग मामूली लोग नहीं थे। आगे आकीश ने फिलिस्ती सरदारों से कहा, क्या वह इसराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाविद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है? और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया। एक साल हो गया है वो मेरे साथ है, आकीश कहता है कि मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। वो फिलिस्ती राजा कहता है कि मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया, एक साल से वो मेरे साथ है, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाया, इसलिए वो मेरे साथ आएगा युद्ध में। तब फिलिस्ती हाकिम मुझसे क्रोधित हुए और उसे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है, वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किसी रीति से मेल करे। यानी उन हाकिमों के अंदर परमेश्वर ने ऐसा सोच डाला, कहीं ये इसराइलियों को हम लोग मारते मारते इसके अंदर कुछ फीलिंग आ गया, तो ये ऐसा होगा हमारे पे पलटी खाएगा, हमको ही मार डालेगा और अपने शौल के साथ समेट कर लेगा, अपने स्वामी के साथ समेट कर लेगा। उनके अंदर वो डर आ गया, बोला नहीं नहीं, ये युद्ध के लिए नहीं निकलेगा। इस रीति से परमेश्वर ने दाविद को बड़े संकट से बचाया। लेकिन दाविद क्यों गया? क्योंकि उसने शब्द दिया, मालूम है? इसलिए प्रियो हमेशा याद रखना, अपने शब्द को संभालना। लेकिन ये गलत काम करने गया ना दाविद, सही है? इसलिए परमेश्वर ने दाविद को भी सजा दी। पढ़ेंगे तीस वचन से, तीसरा तीस थर्टी अध्याय, तीस अध्याय उसका एक से। अभी जब हाकिमों के द्वारा और आकीश के द्वारा उसे कहा गया तुम जाओ, तो अभी 3 दिन की यात्रा में वो अपने घर वापस आया। हम पढ़ेंगे,
तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, सिकलग में वो लोग रहते थे, दाविद दाविद के साथ जितने लोग थे वो सब अपने बीवी बच्चों के साथ सिकलग में रहते थे, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, किसी इंसान को मारा नहीं। अमालेकियों ने क्या किया, हमला किया। हमेशा याद रखना, जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं उसका भुगताना हमें आगे जरूर मिलता है। ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर हम पर दया करेगा, गलती हो गई, प्रभु क्षमा किया। दाविद के इस पाप को क्षमा किया ना, क्षमा किया ना उसने, जो कुछ इसराइलियों से लड़ने के लिए निकला इस पाप को, गलती को क्षमा किया ना। लेकिन परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए परमेश्वर ने देखो अमालियों को उठाया और अमाली लोगों ने क्या किया, सिकलों को आग से फूंक डालकर सारे क्या छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबको बंदी बनाकर लेकर गए। फिलिस्तीनियों के ऊपर भी अटैक किया और यहाँ ये लोग जो इसराइली लोग दाविद के जो लोग थे 600 लोग और अन्य बहुत सारे लोग, उन सबको बंदी बनाकर लेकर गए। आपको समझा, ये हमेशा याद रखना, जब भी हम कुछ भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कुछ भी काम करने जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, आगे जरूर शिक्षा देता है, आगे हमें जरूर पनिशमेंट मिलता है। इसलिए ना ये मसीह जीवन है ना, ये सादा जीवन नहीं है। याद रखो, अगर आपको है ना किसी का आपके जीवन में अच्छा करना, अच्छा होना है, तो दूसरे मसीहों का अच्छा चीतो, ये हमेशा याद रख। अगर आप किसी मसीह के बारे में गलत बोलते हो, किसी मसीह विरोध बारों में अगर आप गलत सोच रखते हो या उनके बारे में ऐसा सोचते हो कि क्या काम का इसको, इस रीति से तुच्छ देखते हो, तो याद रखना आगे जरूर आपका भी बुरा हो। आपके लिए आगे परीक्षाओं के बाद दूसरा परीक्षा है, संकट, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का हाथ आपके अगेंस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लोगों के साथ भला सोचते हो, उनका अच्छा होने के लिए सोचते हो, आप उनका भला करते हो, भले भी जैसे मैंने बोला शाऊल बुरा सोचता था लेकिन दाविद ने उसका अच्छा ही सोचा ना, इसलिए दाविद राजगद्दी पर बैठा ना, ये हमेशा याद रहेगा। परमेश्वर हम जब हमारे साथ जो लोग बुरा करते हैं उनका हम भलाई करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारा भला करता है, हमें ऊंचे स्थान पर लेके जाता है, हमारा ऊंचा स्थान होता है, ये हमेशा याद रखना। कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा संकट आज दाविद की जिंदगी में हुआ, उसके सब लोग क्या हो गए, यहाँ तक उसकी बीवी उसके बच्चे भी, दो बीवियाँ थी उसको, दाविद की दो बीवियाँ थी और कुछ बच्चे थे, उन सभीयों को बंदी बनाकर लेकर गए। अब जिन लोग जब वो लोग तीसरे दिन तीन दिन की यात्रा के बाद जब वो लोग आए और देखा कोई भी नहीं, उसके 600 के 600 सैनिक दाविद के अगेंस्ट हो गए, क्या हो गए, चिल्लाने लगे, मारने के लिए सोचा दाविद को। जो अपना लोग छोड़कर, संसार को छोड़कर, पहले सब कुछ छोड़कर वो दाविद के पास हो गए थे, ये सब कमजोर थे पहले, ये सब हारे हुए थे, लेकिन दाविद जब शाऊल से भागा था तो ये लोग दाविद के अंडर आए और दाविद के अंडर होकर ये बलवान हुए, मालूम है, दाविद के अंडर होकर। इससे ना हमारा परमेश्वर हमें एक सिखाता है, दाविद परमेश्वर को यीशु मसीह को दर्शाता है, और हम जो निर्बल लोग जब यीशु के सहारे आते तो हम सब क्या हो जाते, बलवान हो जाते, मालूम है। तो ये बलवान हुए लोग, युद्ध वीर में योद्धा लोग अब क्या करने लगे हैं, दाविद के अगेंस्ट सोच रहे, प्लानिंग दाविद को मारने के लिए सोच रहे। नेचुरली उनके बीवी बच्चे उनको प्यारे हैं ना, हर एक को अपना कुटुंब प्यारा है ना, आप पढ़ सकते हो उस वचन को, नहीं तो आपको लगेगा, आप पढ़ते पढ़ते जाओ, मैं बीच बीच का बताते जा रही हूँ। 5 वचन से पढ़ो। दाऊद की दोनों स्त्रियां इज़राइल अहीनोम और कर्मेल नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, चलो आज हम लोग किसको मारेंगे, पथरवाह पत्थर उठा लो, आज इसको धो डालेंगे, मार डालेंगे, क्यों, क्योंकि इसके कारण ये अगर हमको युद्ध में वहां लेके नहीं जाता तो अमाली के ऊपर से आज हम लोग लड़ते है ना, हमारे बीवी बच्चों से हम बचाते ना। अमाली की क्रूर और दुष्ट लोग थे और ये हमेशा इसराइलियों के बैरी थे, किसके, इसराइलियों के बैरी थे। अमाली की आत्मा लालची आत्मा है और इसीलिए कभी भी है ना हम मसीहों से हमेशा ही लालची आत्मा अटैक करता रहता है,
हमेशा हम मसीहों के ऊपर लालच डालता है, अलग अलग, जरूरी नहीं पैसों का लालच हो, अन्य अन्य बातों का लालच होता है, पर हम मसीहों के ऊपर अटैक आता है ना। अगर हमने किसी की अच्छी वस्तु देखी तो हमको भी लगता है ना कि अरे काश मेरे पास हो, या लेने की इच्छा जरूर रखते हैं, है ना। परमेश्वर से भी बढ़कर हम कभी कभी काम को प्रथम स्थान देते हैं, काम के पीछे जाते हैं, होता है ना, तो ये लालच होता है ना। और पैसा चाहिए, अभी जितना पैसा प्रभु हमको दिया है हमको और क्या लगता है, और पैसा होगा तो कितना अच्छा है, सच है लगता है ना। तो ये है लालच, ये अमाली की स्पिरिट है। अमाली की आत्मा का काम क्या है, मसीहों के ऊपर हमेशा लड़ना, क्योंकि अमाली की आत्मा है ना हमेशा इसराइलियों से, अमाली की हमेशा इसराइलियों से लड़ी, और इसीलिए प्रियो परमेश्वर ने अमालियों को नष्ट करने की आज्ञा दी। इसराइलियों को कहा इन राजाओं को एक जन को भी मत बचाना, एक जन को भी नहीं रखना, हमेशा नष्ट करना, मतलब उनका नाम स्मरण में नहीं रहना चाहिए। इस रीति से तुम लड़ो। हम पढ़ सकते हैं एक्सोडस में, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय में, जहां हम पढ़ते हैं कि इसराइलियों से कैसे लड़े। एक्सोडस निर्गमन अध्याय 17, निर्गमन अध्याय 17। अगर ये अमालियों की ओर से अगर आपको लड़ना है तो निर्गमन अध्याय के अनुसार, और अभी जो हम देख रहे हैं ना, अभी जो हम देख रहे हैं पहला सैमुएल अध्याय 30 के अनुसार, ये दो प्रकार है इन अमालियों की ओर से लड़ने का। अगर आपकी जिंदगी में कभी अमाली की आपको टॉर्चर कर रहे स्पिरिट, अमाली की आत्मा कैसी मालूम, अचानक आके अटैक करती है, लालची है, बुराई की आत्मा है, मसीहों के ऊपर जलन करने वाली आत्मा है अमाली की आत्मा। हमेशा पैसा 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 के सोच, पैसे के सोच, सुबह उठते ही पैसे के बारे में सोच रहेगा हमेशा, सुबह उठते ही। अमाली की आत्मा व्यभिचारी आत्मा है, इसलिए हमेशा व्यभिचार की सोच लाएगी जवानों में हमेशा, और जिनमें व्यभिचार की मतलब उम्र वाले हैं उनके अंदर हमेशा इस सोच को लाती है, कब किस पर मैं हावी हो जाऊँ, इसको मैं इसके साथ संभोग करूँ, इसके इसको लाइन मारूँ, इस रीति से वो आत्मा हमेशा व्यभिचार की सोच लाती है और उन्हें गुलाम बनाती है। अमाली की स्पिरिट का काम ही ये है, अमाली की स्पिरिट। यहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ेंगे 17 का 8 से। तब अमाली की आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालिकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ भी लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ, मूसा कहता है सबसे पहले इन आत्माओं से लड़ने के लिए योद्धा लोग चाहिए। क्या चाहिए? योद्धा। योद्धा यानी प्रार्थना करने वाले योद्धा, जिनको अच्छा रीति से प्रार्थना करने के लिए आता है, शैतान से लड़ने के लिए आता है, ऐसे लोग चाहिए। सोने वाले, निर्बल, कमजोर, वैसे नहीं। इसीलिए उसने कहा आदमियों को छांट ले, यानी क्या कर, चुन कि कौन प्रार्थना करने वाले हैं। और मोसेस कहते हैं मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, कहां पर, चोटी पर, चट्टान पर, यानी परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए। आगे मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इसराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेकी प्रबल होता था। हाँ, यानी जब जब मूसा अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाता था तब क्या होता था, नीचे जो युद्ध चालू है उसमें क्या होता था, इसराइली लोग जीतते थे, यहोशू जीतता था, इसराइली लोग जीतते थे। लेकिन अभी कितना टाइम तक आप हाथ ऊपर रखते हो सकता है, ज्यादा टाइम नहीं ना, फिर हाथ भारी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे हो जाता है। और जब मोसेस का हाथ नीचे आ जाता था तब क्या हो जाता था, अमालेकी भारी हो जाते थे इसराइलियों के ऊपर। इसीलिए ऊपर से हारून और हूर देखते थे अरे मोसेस का हाथ नीचे होने पर ये अमालेकी लोग युद्ध जीत रहे, और जब मोसेस हाथ ऊपर करता था तो क्या होता था, अरे वाह इसराइली जीत रहे। ये बात हारून और हूर को मालूम पड़ेगा। इसे आगे की देखो, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। हाँ, मूसा को बैठने के लिए बोल दिया, मूसा को एक जगह पर बिठा दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हाँ, एक ने हारून ने हाथ पकड़ा और एक दूसरे हूर ने हाथ पकड़कर ऊंचे पर ही हाथ रखा, वो खड़े रहे, वो दोनों उसके बाजू में खड़े रहे और क्या किया,
उसका हाथ ऊपर किया, यानी परमेश्वर इस वचन के अनुसार क्या कहता है मालूम, आगे आप पढ़ लो पूरा लाइन थी पर्यंत 16 पर्यंत। और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। ये याद के लिए, जिंदगी भर याद के लिए ये पुस्तक में लिख ले। यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। अमालेक ऐसा कोई है ये बात भी मैं मिटा डालूंगा, मतलब परमेश्वर भी इस आत्मा को अमाली लोगों को पसंद नहीं करता था मालूम हुआ। इस रीति से परमेश्वर अमालियों के हमेशा अगेंस्ट रहा, क्यों? क्योंकि वो हमेशा इसराइलियों से लड़ते थे, इसराइलियों को तकलीफ देते थे, इसी कारण से परमेश्वर ने उनको स्मरण में मतलब उनको पूरी रीति से मिटा डालने का योजना बनाया। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निश्चय रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालिकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हाँ, पीढ़ियों तक, और अभी तलक परमेश्वर हमारे साथ रहकर अमालिक स्पिरिट से लड़ता है ना, इसीलिए प्रियो वहाँ पर वो एक वेदी बनाकर वहाँ पर यहोवा निश्चय नाम रखा। इसका अर्थ क्या है मालूम, जिसको जो भी व्यक्ति जिस पर अमालिक स्पिरिट अटैक करती है उसको प्रार्थना करते समय तो क्या करना है, उसको तो बैठना ही है प्रार्थना करने के लिए, उसे तो उस आत्माओं से लड़ना ही है, साथ में अपने साथ कुछ लोगों को भी लेना है, लेकिन पास्टर और पास्टर को सपोर्ट करने के लिए कुछ उसके जो जैसे हारून याजक था, होर भी याजक था, इन दोनों को भी क्या करना है, मोसेस के साथ सपोर्ट देकर प्रार्थना, चर्च में भी प्रार्थना करना। जैसे जैसे वह परमेश्वर के पास अपना हाथ ऊपर उठाएंगे परमेश्वर उन अमाली के लोगों से लड़ेगा, इसका अर्थ वैसा है। इसीलिए पहला जरिया परमेश्वर ने क्या बताया मालूम, एक है परमेश्वर से करने वाली प्रार्थना। जितना आप परमेश्वर के साथ अपने हाथ फैलाकर इस आत्मा के विरुद्ध लड़ोगे, ये आत्मा आपके सामने हारेगी, वो कभी जय नहीं पाएगी। हालेलुया। इस रीति से प्रियो ये अमाली की जाति का ये हमेशा काम ये है कि हमेशा इसराइलियों से लड़ना। अभी हम हमारे वचन में जाएंगे इस अध्याय में। हाँ, हम देखते हैं कि अमाली के लोगों ने भी क्या किया, इन सबको बंदी बनाने के कारण। देखो अब जैसे दाविद को मालूम पड़ा अभी मैं खतरे में हूँ, अगर मुझे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। उसने परमेश्वर का सहारा लिया, उसने कहा एफोद मेरे सामने ला, उरीम और थुम्मीम इन दोनों के सहारे से उसने परमेश्वर को पूछा क्या मैं उनके पीछे जाऊँ, और उरीम थुम्मीम ने कहा हाँ। यानी उस समय दो ऐसे पत्थर थे याजकों को दिए गए थे, एफोद यानी एक सफेद वस्त्र पहना जाता था और वो पहनकर याजक क्या करता था, उरीम और थुम्मीम के जो पत्थर थे वो उनके यहाँ पर लगाए जाते थे। उन पत्थरों पर जब कुछ प्रश्न पूछा जाता था ना, मैं उरीम थुम्मीम के बारे में आपको बताती हूँ कि वो एक ऐसे मोती थे ना, ऐसे डायमंड थे, ऐसे चमकने वाले, तो वो ऐसे चमकते थे, लेकिन जब परमेश्वर हाँ बोलना है तब क्या होता था, वो लाइट देते थे, उसमें से प्रकाश आता था। वो एफोद जब याजक पहनता था और उस एफोद के यहाँ पर दो मणि थे, उर्रीम और थुम्मीम। इसलिए बाइबल में लिखा है तू परमेश्वर के वचन को जुना करा नया करा कहाँ रख ले, अपने हृदय की पट्टियों पर रख दे। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु को कुछ प्रश्न पूछते हो, तो अगर आपने बाइबल पढ़ा है, आपके अंदर जुना करार नया करार भरा हुआ है, तब वो क्या करेगा, अंदर से निकलेगा, आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा वो अंदर से बात करेगा। इसीलिए जब याजक वो एफोद पहन लेता था, तो अगर दाविद ने पूछा क्या करूं मैं, जाऊं क्या, तो वो उरीम थुम्मीम ने लाइट दे दिया, हाँ जा तू उसे पकड़ेगा, और वो लोग निकले। कितने लोगों को लेकर निकला, 400 आए, कितने थे, 600 लोग थे वो लोग, लेकिन आगे पढ़ेंगे। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा, वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। हाँ, वहाँ मतलब कुछ लोगों को वहाँ छोड़ दिया, 600 लोगों को साथ में लेकर गया। 10 दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसोर नाले के पार न जा सके, 600 को लेके निकला, लेकिन 200 लोग हार गए, 200 लोग हारने के कारण थक गए, अभी इतना लंबा तक पीछा करना है, तो 400 लोगों को साथ में वो लेकर गया। फिर परमेश्वर ने देखो उनको कैसे मदद किया, एक मिस्री व्यक्ति जो मैदान में पड़ा हुआ उसे मिला, उसको वो लोग ने रोटी दिया, दाविद ने उसे क्या किया, रोटी खिलाया, पानी पिलाया,
उसको एक अंजीर की टिकिया दी और दो गुच्छे किशमिश दिए। आपको मालूम है अंजीर की टिकिया यानी परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के गुणों को दर्शाता है, परमेश्वर के अच्छे भलाईपन को दर्शाता है। और वैसे जो किशमिश भी है, सूखे हुए किशमिश का जो गुच्छा है वो भी परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। इसलिए प्रियो वो खाने के बाद उसको क्या हुआ, बहुत ताज़ापन लगा, अच्छा हो गया। दाविद ने उसे पूछा तू मुझे वहाँ तक पहुँचाएगा, उसने कहा तू मुझे उनके हाथ में देगा नहीं और तू भी मुझे मारेगा नहीं तो मैं तुझे वहाँ तक लेके जाऊँगा। उनका करार हुआ और वो वहाँ तक उनको लेके गया। आपको मालूम है दाविद उनके साथ लड़ा, कैसा लड़ा, रात भर। कितना पढ़ेंगे उस वचन, अगर अमीर हमारी की ओर से आपको लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सांझ से लेके उपवास किए भी, उपवास कर कर आपको क्या करना है, आपको उनसे लड़ना है। 16 से पढ़ लो। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो फिलिस्तीन के देश, अबे वो लोग इतने खुश थे फिलिस्तीन देश से इतना सारा लूट लाए हैं, इतने गुलाम मिले उनको, बच्चे भी मिले, अभी इतना खुश थे वो लोग, बहुत एंजॉय कर रहे थे, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। जो वे फिलिस्तीन के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। कितने दिन के टाइम तक मारता रहा, उस समय से लेके दूसरे दिन के सांझ तक। कुछ खाना खाए वो लोग, रुको रुको जरा युद्ध बंद कर दो, थोड़ा खाना खा लेंगे, ऐसा कुछ किया। ऑलरेडी उतनी यात्रा कर कर ये 400 लोगों के साथ क्या कर रहा है, युद्ध के लिए निकला। आप सोचो, मतलब आप देखो उनके वीर योद्धा कितने वीर है, है ना। ऐसे योद्धाओं को लेकर गया था किधर, इसराइली लोगों को मारने के लिए। तो ये याद रखना, दाविद के जो योद्धा थे वो वीर थे। याद रखना हम भी बहुत वीर है, परमेश्वर ने हमको भी चुना है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक है नींद, एक है आलसीपन, एक है काम न करना, तीसरा है प्रार्थना न करना। हमेशा ये हमको आगे बढ़ने नहीं देती, योद्धा बनने नहीं देते, नींद हमारी वचन सुनने नहीं देती, दूसरा आलसीपन, कंटाला लगता है प्रार्थना करने के लिए, तीसरा प्रार्थना करने की इच्छा नहीं रहती कि हम जैसे प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के सामने चरणों में घुटने घुटने टेक कर एक एक घंटा क्या हम बिताते हैं, हम कभी घुटना टेक कर एक घंटा यहाँ से वहाँ बिताते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते हैं घंटों घंटों, नहीं बैठते तो फिर हम कैसे योद्धा बनेंगे, हम कैसे हमारे हमारे ऊपर जो लालच का आत्मा स्पिरिट हम पर अटैक करता है, हमारे में से बहुत लोगों को व्यसन है, तंबाकू है, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, है ना, व्यभिचार का अटैक होता है, गिर भी जाते हैं, ये कैसे गिरते हैं, क्योंकि उनको वो योद्धा ही नहीं, वो लड़ ही नहीं रहे। मैं आपको बताती हूँ, ये जो 600 जो दाविद के साथ थे वो योद्धा थे, लेकिन अमालिक उन 600 को लेकर गए, या जो लोग घर में बैठे थे जो सिकलक में थे उनको लेकर गए, मैं फिर से बताती हूँ, शायद आपको समझा नहीं लगता। अमालिक की जो वो लोग आए थे ना योद्ध सेना, अमाली की सेना आई है ना, अटैक किया ना सिकलक पर, बराबर है। तो वो 600 जो दाविद के साथ जो 600 लोग गए थे योद्धा, उनको गुलाम बना के लेकर गए, या सिकलक में जो लोग थे जो दाविद उनको छोड़कर गया था उन लोगों को लेकर गए, जो सिकलक में जो लोग थे वो उनको क्यों लेकर गया, क्योंकि वो योद्धा नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो योद्धा नहीं थे, उनको लड़ने नहीं आता, ये हमेशा है। इसलिए गुलाम वही बनते हैं जो लड़ते नहीं। हम लड़ते हैं ना किससे, आपस में एक दूसरे से, हम एक दूसरे से लड़ते हैं, हमको उससे फुर्सत किधर है, उससे फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो फिर कहाँ हम शैतान से लड़ेंगे, आत्माओं से लड़ेंगे। हम आपस में ही सुबह से लेके, अरे ये नहीं किया, अरे ये नहीं किया, अरे ये नहीं किया, अरे तू ऐसी चाहे तू ऐसा चाहे तू ऐसी है तू ऐसा, अरे मेरा ये सुबह से चालू रहता है। तो फिर मुझे बताओ हम कैसे शैतान से लड़ेंगे, घर का काम हमारा खत्म नहीं होता है। हम कभी आत्माओं से लड़ने के लिए जल्दी से जल्दी अपना काम कर जल्दी प्रार्थना के लिए बैठते हैं, या फिर आप पुरुष लोग जल्दी से कुछ आपको समय मिला चलो हम चलो प्रभु के चरणों में बैठेंगे, बाइबल लेकर कभी बैठते हो,
एक एक घंटा। इसीलिए प्रियो अगर अमाली की ओर पर जय पाना है ना तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए योद्धा। दाविद के पास जो आए थे वो गरीब दुखी कष्टी ऐसे लोग थे, उन लोगों को दाविद ने बलवान बनाया। मैं आपको देती हूँ वचन, तेईस अध्याय कोई पहला सैमुअल 23। उसका 14 से पढ़ा। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा है और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया। वचन के अनुसार प्रियो वो जो लोग थे ना उसके साथ जो योद्धा लड़ने के लिए आए थे वो सब पहले निर्बल थे, हारे हुए थके हुए शाऊल से हारे हुए ऐसे लोग वो लोग थे। लेकिन जब वो दाविद के पास रहने के लिए आए, दाविद तब शाऊल से भाग चुका था, पहाड़ों में किलों में रहता था, तो उसके शरण में आने के पश्चात आपको मालूम है ये दाविद के साथ रहकर दाविद ने उनको योद्धा बनाया। ऐसे वो लोग थे। इसलिए जैसे अगर हम भी अगर परमेश्वर के साथ रहकर यीशु मसीह के साथ रहकर हम भी अगर योद्धा बनेंगे ना तो हम जरूर अमाली की ओर से क्या हो जाएंगे, विजय पाएंगे। हमें अगर आज दूसरा प्रकार हम जैसे देखते, पहला प्रकार कि अगर हमें अगर अमाली की ओर से जीतना है तो हमें कुछ योद्धाओं को लेना है और उस प्रार्थना करने के लिए याजक और याजक हूर और हरून उनको भी बताकर चर्च में भी प्रार्थना और अपने घर में भी प्रार्थना ऐसा करके रखना। दूसरा प्रकार है जो हम देखते हैं अमाली के लोगों ने जो लूट कर लिया है उनके ऊपर रात के समय में अटैक करना, रात भर यानी उपवास करकर उन आत्माओं से शाम से लेके दूसरे शाम तक उपवास करकर उनसे लड़ना, उस विषय पर लड़ना। दाविद ऐसे ही उन पर अटैक नहीं किया, रात भर उनसे लड़ा। वैसे ही जो आत्मा हमारी अमाली की आत्मा जो हमारे लोगों को बंदी बनाती है, जैसे दाविद के और दाविद के सभी जन क्या थे, बंदी थे। अमाली लोगों का स्वभाव क्या है मालूम, अपने लोगों को गुलाम बनाना। और अगर आपको और आपके लोगों को अगर गुलाम बनाई हुई आत्मा से अगर आपके लोगों को छुड़ाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, शाम से लेकर दूसरे शाम तक आपको उपवास करकर उन आत्माओं से लड़ना। ये लड़े ना तो वैसे ही हमें भी कैसा लड़ना है, तलवार और भाले से नहीं, हमें कैसा लड़ना है, यीशु के नाम से उपवास करकर हमें क्या करना है, उन आत्माओं को बोलना है छोड़। जैसे आज अगर हम देखेंगे अगर जैसे हमारे घर के लोग जो बंदी है हमारे घर के लोगों को गुलाम बनाए, हम उनके लिए रात की प्रार्थना में बैठकर बोलना, प्रभु मेरा ये आज यीशु में होकर भी मूर्ति पूजा करता है, चर्च नहीं आता, चर्च में आने न देने वाली आत्मा को मैं विरोध करती हूँ, उसे मैं बांधती हूँ, उसे निकल जाने की आज्ञा देती हूँ, उसे डांटती हूँ। अगर आपका घर का कोई व्यक्ति बराबर से जीवन नहीं जी रहा है तो गुलाम है ना वो, तो उस गुलामी के करने वाली आत्मा के विरोध लिया, दारू पीने वाली आत्मा, झगड़ा करने वाली आत्मा, कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, शांति घर में न रखने वाली आत्मा, गरीबी की आत्मा, क्योंकि अमाली की आत्मा ने क्या किया, सब कुछ लूटा ना, यानी अमाली की आत्मा क्रिश्चियनों को क्या करती है, लूटती है ना, सही है। अजय भाई इसमें जो बोला था ना पहला सैमुअल चैप्टर 22 और उसका एक से पढ़े, एक से
दाऊद वहाँ से चला और बचकर अब्दुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। हाँ, अब दाऊद कहाँ रहता था? अब्दुल्लाम की गुफा में रहता था। यह सुनकर उसके भाई वरुण उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया। हाँ, उसका घराना, उसके जितने लोग जान पहचान थे, उनके पहचान वाले भाइयों का घराना, वो उसके पास आए। और जितने संकट में पड़े थे, जितने लोग संकट में पड़े हुए थे, और जितने ऋणी थे, और जितने कर्ज में डूबे हुए थे, एकदम कंगाल हो चुके थे ऐसे लोग, और जितने उदास थे, और जितने उदास थे एकदम दुखी ऐसे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ। और वो उनका प्रधान हुआ, वो उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। कितने पुरुष? 400। और धीरे धीरे फिर वो संख्या 600 तक हो गई। आपको समझा? इसलिए प्रियो हमेशा याद रखना, आज ये जो योद्धा थे, ये पहले सब ऋणी थे, यानी कर्जबाजारी थे, निर्बल थे, उदास थे, दुखी थे, लेकिन ये दाविद के साथ रहकर ये इतने बलवान हुए कि ये अमालिकी लोगों के साथ, इसराइली लोगों के साथ भी लड़ने के लिए निकले थे। यानी आप सोचो कितना उनको परमेश्वर ने बनाया था, अथॉरिटी दिया था, बराबर है। तो आज हमारा परमेश्वर भी हमें यही कह रहे क्या है बार अंदाजा, ठीक है जा। अमालिकियों से अगर आपको लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इन दाविद और दाविद के जनों ने, 400 लोगों ने क्या किया, उपवास किया। वो लोग ने ना खाना देखा, ना पानी की ओर ध्यान दिया, कहीं पर भी नहीं। उनको सिर्फ इतना था, उनके घराने को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को छुड़ाना था। और इसीलिए उन्होंने शाम से लेकर दूसरे शाम तक उन्होंने उपवास कर उन आत्माओं से, उन मनुष्यों से लड़ा। तो आज परमेश्वर भी आपको यही सिखाता है, अगर आपको भी आपके घर के लोगों को छुड़ाना है, आपके घर के जो बंदी है, जैसे मेरे घर के लोग, मेरे घर के जो मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, उनको भी दुष्ट बंदी बना के ही रखा है ना, उनको छुड़ाने के लिए, वैसे आपको भी छुड़ाने के लिए, आपके भी घर के लोग जो हैं, या आपके बच्चे जो मसीह में होकर भी आपके आधीन नहीं है, आज्ञा पालन नहीं करते, या आपकी बीवी है जो किटकिट है, या आपका पति है जो बराबर नहीं है, या आपकी घर की परिस्थिति है, गरीबी है, बोझ है आपके ऊपर, कर्जा है, आपका फिटता ही नहीं, आप सक्सेस होते ही नहीं, आप अमीर हो ही नहीं रहे हो, आप नीचे से ऊपर हो ही नहीं रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शाम से लेके दूसरे शाम तक 24 आवर्स, 24 घंटे का उपवास करना, और 24 घंटा परमेश्वर के साथ बैठना। आज ऐसे कितने प्रभु के दास इतने प्रभावशाली क्यों हुए, क्योंकि वो लोग घंटों घंटों एक रूम में बंद कर लेते अपने आप को और प्रभु के साथ बैठ जाते, न पानी, न खाना, न पीना, कुछ नहीं सोचते, सिर्फ प्रभु के साथ और उन आत्माओं से, जो आत्मा उन्हें बढ़ने नहीं दे रही है, प्रभावशाली परमेश्वर का काम उनकी ज़िंदगी में होने नहीं दे रही है, उन आत्माओं से लड़ते हो। इसीलिए आज वो प्रभु के दास प्रभावशाली है, वो वेदी पर आते ही परमेश्वर का चमत्कार कार्य होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो घंटों प्रभु के साथ बैठकर उन आत्माओं से लड़ते और परमेश्वर से मदद पाते, सामर्थ पाते। जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो उदास लोग थे, निराश लोग थे, संकट में पड़े हुए लोग थे, कर्जबाजारी लोग थे, वो जब दाविद के चरणों में आए तो वो लोग कैसे हुए, योद्धा हुए। तो वैसे ही आपको भी यही करना है, अगर आपके घर के लोग सचमुच कर्जबाजारी या अमालियों के गुलामी में फंसे हुए हैं, ऐसा आपको लगता है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, फास्टिंग इन प्रेयर, आपको भी उपवास करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे, और जो कुछ अमालिकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। हाँ, जो कुछ अमाली लोग लेकर गए थे वो सब किसने छुड़ाया, दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालिकियों ले गए थे उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाए, सबका सब लौटा ले आए। आज हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है, आज के इस वचन के अनुसार, जैसे हमने पहले हमने देखा हमारा मुंह को क्या होना चाहिए, सामर्थ होना चाहिए, वजन होना चाहिए, अगर हमने कुछ बोला है तो वैसे ही करो। जब आप बोलते हो कि प्रभु मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँगा तो, व्यभिचार नहीं करूँगा तो, मैं हर संडे चर्च आऊँगा तो,
हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए। हम जब किसी को शब्द देते हैं तो वो शब्द हमें क्या करना चाहिए, और परमेश्वर के साथ भी अगर हम जो मन्नत मांगते हैं वो भी हम क्या करना चाहिए, उसे हम बीच में छोड़ना नहीं। हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए बापरे इतना होता है ऐसा होता है, नहीं चाहिए ऐसा करके हम बीच में नहीं छोड़े। ये बात परमेश्वर के द्वारा हमें आज दूसरा पॉइंट हमें परमेश्वर ये सिखाता है कि प्रियो आज आपके घर में जो भी बंदी है, जो भी शैतान ने उन्हें गुलाम बना के रखा है, वो परमेश्वर यहाँ है हमें छुड़ाने के लिए। आज आप लोग उपवास करके आए हो, उपवास में आए ना, तो हम सब उपवास में आए हैं, इसलिए हमें करना क्या है, आज इन आत्माओं से लड़ना है। लड़ते समय आपको उन आत्माओं को, जिन आत्माओं ने बंदी बनाया, उन आत्मा से लड़ो, उन्हें छुड़ाओ। परमेश्वर छुड़ाने वाला सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। फिर आप 24 आवर्स का उपवास करेंगे ना, आज छोड़ दो उपवास, अभी दोपहर के बाद छोड़ दो। लेकिन नहीं तो आप बोलोगे अभी 24 घंटे का उपवास तो हम ऐसा सोच के नहीं आए। आपके कुटुंब के लिए, आपके लोगों के लिए, लोगों में परिवर्तन आने के लिए आप अपने घर में 24 आवर्स का फास्टिंग करो। 24 घंटे के फास्टिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या रोल्स है। एक, मुझे पानी भरना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे घर में मेहमान आया है उसको चाय बनाना है, ये सब नहीं। 24 घंटा आपको एक ही जगह पर, एक ही, आप बीच में उठ सकते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि 24 घंटा आप मांडी तो बैठ नहीं सकते, आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन रुको मैं जरा फोन करता हूँ, हेलो, वो नहीं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने वाली उन सारी वस्तुओं को अब दूर करना है थोड़े समय के लिए, यानी कितने समय के लिए, 24 आवर्स के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। मालूम है आपके बच्चों को भी आप साथ में बिठाना, अगर आप बच्चे वाले हैं तो बच्चे लोग करेंगे, बच्चे वाले लेकर बैठेंगे तो आपको तो बच्चों को साथ में ही लेना पड़ेगा, कड़ी लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे बाहर जाएंगे फिर रोएंगे गिरेंगे, क्योंकि शैतान आपका 24 घंटे का उपवास होने नहीं देगा। अगर आपको मालूम है, शैतान को मालूम है, अगर आप अपने लोगों को छुड़ाना चाहते हो तो मुझे ये, अगर उपवास में बैठे 24 घंटा तो मुझे हारना पड़ेगा इनके साथ, इसलिए वो क्या करेगा, आप पहली बार तो आपका उपवास होने नहीं देगा, मेहमानों को लाएगा, फोन बजाएगा, काम को छुट्टी नहीं देगा, या उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए 24 घंटे का फास्टिंग करने का प्लानिंग है तो उसी प्रिपरेशन में हो जाओ, खाना तो आपको खाने का नहीं है, है ना, वो हिसाब से बैठो। इसलिए दिया कौन सा है, शाम का सूर्य अस्त होने से दूसरे सूर्य अस्त होने, यानी आपको आज शाम को बैठना है तो आज दिन भर में जो काम करना है कर लो, पानी भरो, कल का भी पानी आज ही भर लो, जो कुछ सब करके रखो, और जो आज शाम को अगर आप बैठ गए 6 बजे तो डायरेक्ट दूसरे दिन 6 बजे तक आपको बाहर नहीं आना है, लोगों के संपर्क में नहीं, लोगों के साथ नहीं, सिर्फ प्रभु और आप और एक एक आत्माओं का, जिन आत्माओं से आपके घर के लोग पीड़ित हैं या आपके रिश्तेदार हैं या आप खुद हो, उनसे लड़ो। आप लड़ते कैसे हो, आप अपने एक दूसरे के साथ कैसे लड़ते हो? हाँ प्रभु, तुला मी सांगितलं होतं ना गो, असं नाही करायचं, असं बोलतात का? नाही। कैसे लड़ते हो? जोर से चिल्ला के। तो आप शैतान से भी वैसे ही लड़ो, शैतान दूर हट, निकल जा मेरे घर के, मेरे पिताजी में से, मेरे बेटे में से, मेरी बेटी में से, मेरी माँ से, मेरे पति में से, मेरी बीवी में से, दूर हट। जो आत्मा से वो गुलामी में है, आपको मालूम है ना कि आपके लोग कौन सी गुलामी में है, वही गुलामी में लेकर उन आत्माओं का विरोध करो। अगर आप गरीबी के अगेंस्ट जा रहे, आपकी उन्नति नहीं हो रही, उसके लिए आपके हाथ में सक्सेस नहीं हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही, तो आप बोलो असफल करने वाली आत्मा से लड़ो, गरीबी की आत्मा से लड़ो, कर्जबाजारी करने वाली आत्मा से लड़ो, बराबर है, यश न देने वाली आत्मा, पैसा आपके हाथ में आने न देने वाली आत्मा, उससे लड़ो, उन्हें एक बांधो, उनको प्रभु ने क्या बोला, तुम बांधो और फिर लड़ो, उन्हें निकाल दो, फिर इस रीति से आप उनसे लड़ सकते हो, आप उनका विरोध कर सकते हो। कैसे कैसे आप एक बार लड़ने बैठ जाओगे ना तो बराबर से आपका युद्ध चालू हो जाएगा। आप एक बार सोचो, अगर हम, मेरा और पिंकी का झगड़ा चालू हो गया, चाहिए तो हम शाम तक झगड़ा करें, नहीं होएगा। हमारे पड़ोस में देखो, एक औरत दूसरी औरत से झगड़ा करती है, आफ्टर ऑल हमको जाके बोलना पड़ता है, वो बंद करो, इधर नहीं रहने, चलो ना, इन्हें तो इधर रहने का नहीं, चुप बैठ, तभी चुप बैठते हो,
तो भी वो लोग अपने घर में जाए बड़ा बड़ा उधर बड़ा बड़ा मेरे हस्बैंड काटी लेके जाते मारू तुमको तुमको मारू चलो अंदर जा अंदर नहीं बोलने का अंदर से भी जोर से बोलते ताकि वो सुने फिर वहां से वो भी जोर से बोलते सुनकर कितना जोर से बोलते हैं तो हम इतना भले अड़ोसी पड़ोसियों के साथ इंसानों के साथ लड़ते हैं लेकिन आप 24 घंटे में आपको भी पानी पीनी बाटली बिटली जो कुछ लेकर बैठो और लड़ो परमेश्वर के सामने परमेश्वर से नहीं लड़ना तू ऐसा क्यों करता है तुझे दिखता है ना फिर तू उसे बदलता क्यों नहीं आप बदलने न देने वाली आत्मा से लड़ो ये प्रभु की इच्छा हालेलुया समझ में आया समझ में आया तो फिर 24 घंटा होने के बाद फिर आप दूसरे कामों के लिए फ्री हो सकते ऐसा प्रैक्टिस करो तब तो आपका ये 24 घंटे का उपवास भी हो जाएगा प्रार्थना करेंगे ठीक है हम सबसे पहले अपने सबके लिए प्रार्थना करेंगे उसके बाद हम दिनेश चंद्रा कुटुंब के लिए प्रार्थना करेंगे ठीक है अभी वचन चालू है तो हम सब लोग क्या करेंगे आंखों को बंद करेंगे और उस आत्माओं से जो आपको और आपके लोगों को गुलाम किया है बंदी बनाए हैं उस आत्मा से लड़े हर एक जन अपने अपने जगह पर जो आपको मसीह में बढ़ने नहीं देता या गुलाम बना कर रखा है आपको सक्सेस लाइफ जीने नहीं दे रहा है उन आत्माओं से लड़ो आंखों को बंद कर आपके एक एक कुटुंब के एक एक व्यक्ति के लिए जो बंदी बनाया है गुलामी में रखा है जैसे दाविद ने उनको छुड़ाया दाविद के जनों ने उनको छुड़ाया वैसे आज आपके लोगों को आप छुड़ाओ आपका प्रभु आपके साथ ही छुड़ाने के आपसे प्रेयर करो प्रभु उनको छुड़ाएगा सिर्फ आप प्रेयर करो परमेश्वर में इतनी शक्ति है उनको छुड़ाने की प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु पवित्र पिता आज के बाद ये जो भी मन्नत करेंगे पवित्र पिता आपके सामने ये जरूर पूरा करेंगे प्रभु मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता प्रभु इनकी बोली हा की हा ना की ना हो इनके बोली में सामर्थ होने देना इनके बोली में अथॉरिटी होने के लिए मदद करना प्रभु ये अपने शब्द को व्यर्थ ठहरने नहीं देना प्रभु ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना है आपके सामने ये मूर्ख गिने न जाए इसलिए सहायता करना इन्हें आशीषित करना आपके पंख में सुरक्षित रखना आपका छेदा हुआ हाथ रखना धन मान सम्मान से दीर्घायु से इन सबको तृप्त रखना सदानंदित रहने के लिए सहायता करना आज इन्होंने जिन जिन अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना की है उन सबको गुलामी से मुक्त करना प्रभु बाइबल में लिखा है दाविद ने अपने लोगों को जो बंदी थे उन सबको छुड़ाया और जो कुछ लूटा था वो भी उसने वापस पाया उसमें से कुछ भी खराब नहीं हुआ तो पवित्र पिता आज हम यीशु के नाम से प्रभु जिन आत्माओं ने प्रभु इनको लूटा प्रभु इनके लोगों को गुलाम बनाया इनको गुलाम बनाया प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके प्रार्थना के जरिए से आप वापस इन्हें सब कुछ लौटा दो धन्यवाद देते थे इन सबको आपके लहू तलेगा प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे दिनेश चंद्र की फैमिली के लिए तो हम सब खड़े हो जाएंगे और दिनेश फैमिली आगे आ जाएगी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते प्रभु पवित्र पिता हम दिनेश भाई के लिए प्रार्थना करते मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाकर इन्हें आशीषित करते प्रभु मेरे मान पवित्र पिता अमालिक के सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते संसार के सारे बंधन जो पीढ़ी पीढ़ी से इनके ऊपर उतरे मूर्ति पूजा के जादू टोना के व्यभिचार के तिरस्कार के व्यसन के सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़कर यीशु की वंशावली तले लाकर इन्हें आशीषित करते प्रभु और प्रभु अब तक इनका जो कुछ प्रभु अमालिकियों ने लूटा प्रभु और पवित्र पिता इन्हें बंदी बनाया आज वो सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ दे आज ये सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़ दे और दाविद जैसे यीशु मसीह आपको प्रकट करता है और आपने वो सारी लूट ली लूट वापस ले आई वैसे प्रभु इनका सारा लूटा हुआ आज हम मांगते प्रभु इन्हें वापस ले धन्यवाद देते आपका लहू लगाते इन्हें आशीषित करते आपके पंख में सुरक्षित रखना यीशु के नाम से प्रभु आज हम इन्हें स्वतंत्र करते पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र आज ये
सारे बंधनों से स्वतंत्र है, सारे श्रापों से ये मुक्त है पिता, और आज से हम इन्हें आशीषित घोषित करते हैं। आज से इनके लहू में हम यीशु का लहू मिला देते हैं, इनका शरीर प्राण आत्मा यीशु का डिक्लेयर करते थे, और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। कोई भी अंधकार की शक्तियों का, मूर्ति पूजा का, जादू टोना का, मृत्यु का, कोई भी दुरात्माओं का, दुष्ट आत्माओं का इनके ऊपर अधिकार नहीं, मैं डिक्लेयर करता हूँ। इन पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार है, घोषित करते हैं। पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेनाधीश पिता परमेश्वर आशा बहन के लिए प्रभु, इन पति पत्नी ने जो मन्नत मांगी थी उस मन्नत के अनुसार आज उन्होंने अपने घर में प्रार्थना की प्रभु, जैसे इन्होंने मन्नत की और तूने वो पूरी की, वैसे ही प्रभु आज इन्होंने भी जो मन्नत के साथ जो करार किया था वो इन्होंने भी आज पूरा किया, इसलिए इन्हें आशीषित करना, हमेशा इनके मनोरथों को पूरा करना, इनके प्रभु पवित्र पिता शरीर में प्राण आत्मा में हमेशा स्वस्थ चंगाई रखना, किसी भी बात से इनका मन विचलित होने मत, तू सदा इनके साथ रहने वाला इनका पवित्र पिता है। धन्यवाद देते मेरे पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते, तू उसकी ढाल उसका कवच है प्रभु, पीढ़ी पीढ़ी से उतरा हुआ खास करके उसके पिताजी से, उसकी माँ के और से उतरे हुए सारे श्राप प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तोड़ देते, यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते, और ये श्राप के तले नहीं प्रभु, व्यवस्था के श्राप के तले नहीं प्रभु, परंतु पवित्र पिता यीशु के आशीष के तले प्रभु, धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाकर प्रभु रजनी को आशीष पिता, आपके पंख में उसको सुरक्षित रखना, दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, उसका भविष्य तो उज्ज्वल करने वाला, और आगे जो कुछ रखा है उत्तम प्रभु, वो प्राप्त होने वाला करने वाला तो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पवित्र पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु इनके नाती पोतों के लिए प्रभु, प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता इनके ऊपर लगाते, मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता प्रभु हम धन्यवाद देते पिता। पवित्र पिता हम विकास के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता। हम भाई महेश के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता। पवित्र प्रभु हम निशा के लिए प्रभु पवित्र पिता आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते प्रभु, उसी रीति से नीलम के ऊपर भी और प्रभु पीटर के ऊपर भी धन्यवाद देते, मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता। इस कुटुंब को जोड़े रखना, इनमें कभी फूट आने नहीं दे, इन्हें आपने जोड़ा है प्रभु, इसे कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु, इनमें संख्या बढ़ाएगा लेकिन गलती होने नहीं दे, बहुगुणित करता है प्रभु, इन्हें मनुष्य में और धन में मनुष्य में बढ़ाएगा प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ, इन्हें आशीषित करती हूँ प्रभु, कोई शैतानी हमला इन कुटुंब के ऊपर कभी मत होने, तो इनकी ढाल तो इनका कवच है, इस नगर में ये हमेशा राजा बनकर रहेंगे, प्रधान बनकर रहेंगे प्रभु, और प्रभु यहाँ के सारे लोग इनके अधीन हो जाएंगे, इनके सुनेंगे प्रभु, ये कहेंगे और वो सुनेंगे, इन्हें हम आपके हाथों में देते, आपके छेदे हुए हाथों में देते, धन्यवाद देते पिता, इन्हें आशीषित करते, आपकी करुणा दया रखना, स्वर्ग का सारा जो इनके लिए आपने रखा है प्रभु की पृथ्वी पर पाए वो सब हम रिलीज करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके छेदे हुए हाथों में रखकर, जिसे वचन में आपने कहा है ना, जी पिता ने जिन्हें मेरे हाथों में दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता, तो वैसे प्रभु ये सब आपके हाथों में है, जिसे दुष्ट और कोई भी इसे इन्हें छू नहीं सकता और ना ही छीन सकता है, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके लहू तले लाते तो इनकी ढाल तो इनका कवच, धन्यवाद देते, आए हुए तेरे सभी बच्चों को आशीषित करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना, इनमें से कोई भी संसार में जाने मत देना, शैतान इनका पैर कभी खींचने मत देना, इसलिए प्रभु दिनेश चंद्रा और महेश सेन फैमिली के साथ साथ यहाँ जितनी फैमिलीज है उन सब की फैमिलीज के पैरों के ऊपर आपका लहू लगा देते हैं, सबके पैर प्रभु सुहावने और आपके राज्य में रहेंगे, और आपके राज्य से ये पैर कभी भी संसार में और अधलोक में कभी नहीं उतरे, धन्यवाद देते इन सबको आशीषित करते, दाविद राजा हुआ प्रभु, वैसे ही प्रभु ये सब राजा है प्रभु, और राजा के जैसे होने के लिए इन्हें फाइनेंशियली भी तू ब्लेस कर, स्पिरिचुअली भी ब्लेस कर, और प्रभु फिजिकली भी ब्लेस कर प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है, इन्हें लगने वाली सारी जरूरत तू पूरा, धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव आपको देते, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते, आप पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, और हम सब कहें आमीन।